नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आदर्श किसान मार्ट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रॉबेरी को लगा सकते हो, नर्सरी किस तरीके से आप इसकी लगाओगे। ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट है और ये विंटर डाउन वेराइटी है हमारे पास में और हिमाचल से इसे हमने परचेज किया है। ये आप देख सकते हो काफ़ी हेल्दी प्लांट है सारे और ये नर्सरी है, नर्सरी हमने मंगवाई है। इसको किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी खेत में इसे हम नहीं लगा रहे हैं और इसको थैली में लगा रहे हैं, तो वो थैली का जो किस तरीके से लगाते हैं वो आपको बताते हैं। ये हमने थैलियाँ भर दी है, इसमें 4x8 की थैली है हमारे पास, 4 इंची चौड़ी और 8 इंची इसकी लंबाई है। और ये अच्छी तरीके से हमने इसमें मिट्टी और खाद मिला के और इसमें भर दिया है और आप देख सकते हो काफ़ी लंबी कैरी है ये और इसमें कम से कम 1800 से 2000 बैग्स हमारे इसके अंदर आए हैं। और इसमें बीच में हमने मिट्टी इसमें थैली भर दी और साइड में जो बीच में गैप है इसमें भी मिट्टी डाल दी हमने, जिससे कि एयर सर्कुलेशन ना हो और पानी बार बार नहीं देना पड़े। और इसके बाद में अब इस पर थोड़ा झारा देंगे, उसके बाद में प्लांट लगाएंगे, वो प्रक्रिया आपको आगे बताते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी। झारे की सहायता से आप इसमें पानी लगाएं और अच्छी तरीके से इसमें पानी देना है, उसके बाद में प्लांट लगाएंगे। जो भी ये बीच में गैप है वो मिट्टी से भर जाएगा, पानी जब जाएगा इसमें तो पूरी हवा इसमें निकल जाएगी और सही तरीके से ये प्लांट लग जाएगा। सर्वप्रथम हम इसको जो जड़ है उसको उपचारित करेंगे। आप देख सकते हो ये इफ़को की हमारे पास बाविस्टीन है और इसमें कार्बिंडाजीम 50% और ये सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, तो आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हो और उसको इसमें पानी में मिलाना है। वो आपको तरीका बता देंगे कितना आपको लेना है, काट ले। और आपको प्रति ये कम आप मान के चलो इसमें 5 पुली हम रखेंगे और उसको उपचारित करेंगे और आधे घंटे पहले लगाने से आधे घंटे पहले आपको इसको रखना है। थोड़ा इसमें डालिए, बस 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 ये बहुत है। आप देख सकते हो इसमें एक अप्रोक्स आइडिया आप लगा सकते हो कि इसमें 50 ग्राम के आसपास आपको डालना है। अच्छी तरीके से इसे हिलाना है अपने को और फिर ये जो स्ट्रॉबेरी के हैं वो रूट्स इसमें डुबोएंगे और फिर लगाने का जो तरीका है वो आपको मैं बताता हूँ। हाँ, इसको रखना है आपको कि ये रूट्स पूरी इसमें अच्छी तरीके से डूब जाए पानी में, आराम से 5 पुली इसमें आराम से आ जाएगी। और ये आधे घंटे तक भिगोना है अपने को और उसके बाद में लगाना है। ये सभी स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स है वो हमने इसमें रख दिए हैं, अब आधे घंटे बाद में आपको लगाना स्टार्ट करना है। इसको हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से हम इसमें लगा रहे हैं। और आप जड़ को पकड़ के नीचे से और इसको आराम से तेली में जो है प्रेशर देके लगाना है। आप देख सकते हो प्लांटेशन हमने इसका स्ट्रॉबेरी का कर दिया है, पूरी कैरी में हमने लगा दिया है। इसमें 1800 पौधों के आसपास लगे हैं और ये आप देख सकते हो झारे से इसमें हम पानी दे रहे हैं और इसमें बायोस्टीन का मिश्रण हमने मिलाया है, जिससे कि कोई भी फंगिसाइड इसमें दिक्कत हो फंगस की तो वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसमें भर के अच्छी तरीके से पानी दे देंगे एक बार और अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे बस, तो जल्दी इस पर रूट्स से स्टार्ट हो जाएगी और काफ़ी जल्दी इसमें ग्रोथ आ जाएगी। ये आप देख सकते हो जो कई स्ट्रॉबेरी के हमने पत्ते हटा दिए हैं, जिससे कि इसमें जल्दी ग्रोथ वापस आ जाएगी। और किसी भी किसान भाई को या फिर जैसे किचन गार्डनिंग में कोई फ्रेंड लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और काफ़ी रियायत दरों पर आपको ये प्लांट ऑनलाइन घर पर डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी आपको चाहिए स्ट्रॉबेरी से संबंधित, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी जो भी कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो लिख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।